Oh,
भारत माता की 24 अवतारों की 18 प्राणों की 31 कोटि देवताओं की सब विजय महाराज की अलगाम होकर के सरकार की इधर आ होना बहुत शोक मत आया स्वर्ण सिंह जी गेर आम आदमी पार्टी वाले उन्हों का भी शोक मत आया माफी चाहना कहा तरसीम मित्तल जी वाइस चेयरमैन तकनीकी सिक्ख्या बोर्ड तरसीम दत्त शुरा जथेदार चरण सिंह जी सिंगर उन्होंने वालों भी शोक मताया मास्टर रामला ट्रस्ट उन्होंने वालों भी शोक मताया सुधारला वालों अश्विनी ढांड उन्होंने वालों शोक मताया छड़े लोग लोग खाली समय दे अत्तर भरी गुरु ज्ञानी शासन जी हो फतेह साजी करना भाई गुरु जी का खालसा भाई गुरु जी की फतेह कोई लवरस नहीं मुंह चो नहीं कर रहे अपने बच्चे नतीजे संजीव मल्होत्रे कि शरदा के फुल पेट गए मेरे तो पहले सारे बुलाने ने दसिया पर मल्होत्रा परिवार का चिराग से अजो चिराग हो 20 साल की उम्र मल्होत्रा परिवार का रोशन दिमाग डीवी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने बोल के गए ये दोस्त भी क्रिकेट सारे रिश्तेदार भी क्रिकेट सो अल्फाज मुंह चो नहीं निकलते मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना शायद मैं पास हो जाऊँ मैं जिन्हें भी एक दोस्त सज्जन आए हैं काफ़ी लोगों के फोन आए हैं पूरे पंजाब के विचों मैं कोशिश के नाल लूंगा मैं कुछ बैठे हुए थे तुसी आए साडा तो कटिया सो परमात्मा के लिए अरदास करते हैं कि परमात्मा साढ़े घर भी और तुहाडे घर भी खुशियां लेके आवे यही कहना था मैं स्थान वापस लेना जय श्री कृष्ण जय हिंद नमस्कार जी संजीव मल्होत्रा जो कि साडा भतीजा पिछले दिनी स्वर्गवास हो गया एक विलक्षण शख्सियत का मालिक सी शायद साढ़े मल्होत्रा परिवार का वो रोशन दिमाग सी मैं अज इस रसम किरिया के मौके दे उत्ते सारे जिन्ने भी समूह शाहकोट इलाका निवासी इतों दियां समाजिक धार्मिक अते राजनीतिक जत्थेबंदियां जिन्होंने साढ़े इस दुख की घड़ी दे विच दुख मंडाया और जिन्हां दे सानू बहुत ज़्यादा मैसेज फोन ते आप मिलन आए हो रहे हैं असी इस दुख की घड़ी दे विच साडे परिवार नाल उन्होंने दुख सांझा किया असी दिल दीआं गहराइयां तो उस बच्चे दे प्रति जिहड़ी उन्होंने श्रद्धांजलि देण लई जाए आ असी सारे इलाके का मल्होत्रा परिवार वालों अपने बजुर्ग अपने बच्चे वालों पूरे परिवार वालों सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद और जी आया कहते
बस माड़े इतना इतना कर देना मैं माड़ा जय हिंद नमस्कार जी संजीव मल्होत्रा जो कि साडा भतीजा पिछले दिन ही स्वर्गवास हो गया एक विलक्षण शख्सियत का मालिक सी शायद साडे मल्होत्रा परिवार का वो रोशन दिमाग सी मैं अज इस रसम क्रिया के मौके दे उत्ते सारे जिन्ने भी समूह शाहकोट इलाका निवासी इतों दी समाजिक धार्मिक अते राजनीतिक जत्थेबंदियां जिन्होंने साडे इस दुख की घड़ी दे विच दुख मंडाया और जिन्होंने सानू बहुत ज़्यादा मैसेज फोन अते आप मिलन आए जिन्होंने विचों प्रमुख शख्सियत जिन्होंने साडे इस दुख की घड़ी दे विच साडा दुख मंडाया और सानू फोन अते मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने विच कैप्टन हरमिंदर सिंह जी जिला कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वालों राणा गुरजीत सिंह जी साबका कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह बाजवा जी मैंबर पार्लीमेंट अते साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस चौधरी संतोख सिंह जी जेड़े कि मैंबर ऑफ पार्लीमेंट हैं महिंदर सिंह के पी जी साबका मैंबर पार्लीमेंट अते पंजाब प्रदेश कांग्रेस के साबका प्रधान सुखपाल खहरा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब तजिंदर सिंह शेरगिल जी चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने एडवाइजर अमरजीत सिंह समरा जी चेयरमैन नकोदर तो बीबी रजिंदर कौर जी पटल इस अलावा राणा हरदीप सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब ब्रिज भुपिंदर सिंह जी लाली साबका होम मिनिस्टर हरदेव सिंह लाडी जी शेरोवालिया शाहकोट हल्के दे कांग्रेस के उगे लीडर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बेटे अनुमित सोढ़ी जी सुखबीर बादल जी के OST मंटा जी उस तो अलावा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोड़े ऑफिशियल जोड़े आ जिन्हों वालों सानू आया जिन्होंने शोक व्यक्त किया असं धन्यवादी हाँ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी श्री सतपाल जी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी परमजीत सिंह कालो जी प्रोसीक्यूशन एजेंसीज उन्होंने नाल जिहड़ियां सारियां आईयां गुरप्रीत सिंह गरेवाल जी डिप्टी DA लीगल विजिलेंस लुधियाणा जज साहब जिहड़े कि अज साडे शामिल भी हो रहे हैं रमेश चावला जी मोगा तो जज गौरव गुप्ता जी मोगा तो सुखविंदर सिंह जी जज रामपुरा फूल तो इस तो अलावा जिहड़ियां साडियां लोकल जिन्हें भी कौंसलर साहबान इलाके के पंच सरपंच और सारिया मुहजे शख्सियत जिहड़ियां भी समाजिक धार्मिक जथियां राजनीतिक जथेबंदियों के मैंबर इतने शामिल हो रहे हैं असी इस दुख की घड़ी के साडे परिवार नाल उन्होंने दुख साझा किया असी दिल दीआं गहराइयां तो उस बच्चे के प्रति जिहड़ी उन्होंने श्रद्धांजलि देने लिए जाए आ असी सारे इलाके का मल्होत्रा परिवार वालों अपने बजुर्ग अपने बच्चों वालों पूरे परिवार वालों सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद और जी आया कहते जय श्री राम फास्ट वे कुछ वाश लगाया तो पर नहीं थे कभी लगाया।
जिस बुद्धि से निर्णय निकाली अकाली यथार्थ है, जानी धर्म अधर्म को वेदांत श्रीमती पार्थ है, अनव्याप्त हो जो बुद्धि धर्म अधर्म ही को मानती, वेदांत से जो नित्य अर्थ अर्थ उल्टे जानती, जब जन असदृति से क्रिया मन काम न प्रिय धर्म अर्थ वह काम है, धर्म किए जिसे उसी का राशि धृति नाम है, तामसवी धृति पात्र जिससे स्वग्रंथ है उन्माद को, तथा इंद्र बुद्धिमान शोक और निषाद को तात्विक उसी का नाम है, रात सही सुख है कि जो इंद्रिय विषय संयोग से पहले सुशासन अंत में तुल्य हो फल भोग से आरंभ क्यों अंत में जो मोहजन को दे रहा आलस्य नींद प्रमाद से उत्पन्न सुप्तामस कहा, इस भूमि पर आकाश अथवा देवताओं में कहीं भोग प्रकृति के तीन गुण से मुक्त ऐसा कुछ नहीं, दिल और क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के परम कर्म भी उनके स्वभाव ही गुणों अनुसार बांटे हैं सभी, नित्य कर्म शूद्रों का स्वभाव लोक सेवा धर्म है, सरकार जो कर्म सिद्धि पाता है वही इस कर्म करता लक्षित सुन उनकी शांति बात नित्य ही, जिससे प्रवृत्ति संस्कृतियों की तथा जगत है, जिस कर्म से नर पुरुष उसको सिद्धिकर्ता प्राप्त है, निर्धर्म से शुद्ध गुणों का धर्म से होता पाप स्वभाव के अनुसार अपने कर्म से निज नियत कर्म संदोषों को भी कुछ नहीं क्या गए, सब कर्म दोषों से गिरे जैसे भूमि से आ गए, बस में किए मन मति आसक्त न कामना को व्याप्त हो, निष्कर्म सिद्धि महान तप संन्यास द्वारा प्राप्त हो, जिस शांति पाकर सिद्धि होगी ब्रह्म प्राप्ति समय ही, संक्षेप से संज्ञान की अर्जुन का निष्ठा वही, तक आत्म संयम धैर्य से अति सुमति में लीन हो, सत्ता सद आदि से नित राग द्वेषहीन हो, एकांत से अल्प हो जी तन वचन बस किए हो, ध्यान सदय ही वैराग्य का आश्रय लिए, बल अहंकार घमंड संग्रह क्रोध काम विमुक्त हो, अहंकार इंद्र शांत तंत्र विहार के उपयुक्त हो, जो ब्रह्म रूप प्रसन्न है साहीन है, संभाव समय साध होता भक्ति में नवीन है, मैं कौन कितना भक्ति से उसको सभी ज्ञान हुआ, मुझ में निरंतर तत्व धीर चित्त धर संबुद्धि में तत्व हुआ, रक्षित मुझ में मम कृपा से दुख सर कर जाएगा, अभिमान से मेरी न सुनकर नाश केवल भाई लेते ही, सब जीव यंत्रारू बनाया एक माता है वही, इस हेतु ने उसकी संसद राम की से सब और से सुख शांति लेगा नित्य पर उसकी कृपा की गौर से, तुझसे का अति उत्तर ज्ञान समस्त ये विस्तार से, इस बात की जो चाही वही कर पाप को विचार से, अब अंत में अति गुप्त ही कौन के कह जाता हूँ, अति प्रिय मुझे तुम अस्वित की बात कहता था तुम, रखना मुझे ने करिए जन मम भक्त बन कर वंदना, मुझे मिलेगा सत्य प्रण तुझको तुझे मुझे तुम प्रिय घना, तत्कर्म सारी एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं हूँ कृपा तुमसे कर ये गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझे मिलेगा भक्ति माँ मेरी असल से धर्म ही, उसे अनेक प्रिय कार्य करता विश्व में गया नहीं, उसे अति कुछ कौन दूसरा प्यारा होगा कहीं, मेरी तुम्हारी धर्म करता जो पड़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान के फिर ध्यान से, इन दोस्तों में जो सुनेगा नित्य सदायुक्त हो, और पुण्यवानों का परम शुभ लोक रहेगा मुक्त हो, अर्जुन कहो हमने सुना यह है ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छूटे हो या नहीं उस मोह में, अर्जुन का सुना संवाद है मैंने सही, साक्षात योगेश्वर संग श्री कृष्ण का आनंद किया, यह शेष योग है श्री व्यास अब साथ से सब सुन लिया, श्री कृष्ण अर्जुन का मेरा तुमने संवाद है, हर बात देता हर सर है आता मुझे जब याद है, जब याद आता उस मनो की ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुनिष्ठसु ब्रह्मितायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे बहुसंन्यास योगनाम अष्टादशो अध्याय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भक्तजन हृदय निवासाय, श्री रामचंद्राय नमो नमः, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे भक्तजनों, शोक सभा में उपस्थित माताओं बहनों
आज हम शोक सभा में उपस्थित हो गए हैं। मल्होत्रा परिवार में आज से 13 रोज पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। अचानक अचनचेत परिवार का सबसे छोटा बेटा बगैर किसी कारण के ही अपने संसार की यात्रा को पूर्ण करके चला गया। उनकी आत्मा की शांति के निमित्त परिवार ने घर में गरुड़ प्राण का पाठ प्रकाश करवाया, जिसके भोग के अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए हैं। मैं माताओं बहनों से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं वही कार्य करें, भगवान से प्रार्थना करें अपने मन से कि प्रभु जो यहाँ से बिछुड़ करके आत्मा गई है उसको अपने चरणों में निवास स्थान बख्शें, हमें दुख सहन करने की शक्ति दें। आए हुए रिश्तेदार गोपी नाती भाई बंधु, यहाँ पर भगवान जी ने गर्व जी को बार बार यही समझाया है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्जन्म ध्रुवस्य, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु हो गई उसका पुनः जन्म होता है। तो पंडित लोग यानी ज्ञानी लोग कभी आवागमन के लिए शोक नहीं करते, भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन दुख बहुत बड़ा है। लेकिन सहन तो करना पड़ेगा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, मेरे पुत्रों को मारने वाले को जब तक मैं मार नहीं दूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। अर्जुन भागे, जाकर के उसको पकड़ा, पकड़ करके द्रौपदी के पास में लेकर के आए और मारने लगे भगवान। लेकिन माता ने, उन बच्चों की माता ने यानी द्रौपदी ने कहा कि नहीं, जैसे आप मैं विलाप कर रही हूं, यदि इनको भी मार दिया तो हमारी गुरु माँ ऐसे ही विलाप करेगी, एक बच्चे के जाने से कितना बड़ा दुख होता है ये एक माँ ही जान सकती है। वही हम इस संसार में लेकर के आए हैं। आज का समाज देखिए, हम सब देखते हैं कि बच्चे माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं। लाचार दिवस माता पिता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज बच्चों से भी प्रार्थना करूंगा कि जिन माता पिता ने हमें संसार दिखाया है, जिन बड़े बुजुर्गों, जिन पितरों की कृपा से आज हम संसार में हैं और संसार के समस्त सुखों को भोग रहे हैं, अगर वो ना और वो तीर श्रवण पुत्र को जाकर के लगा और श्रवण वहीं पर ढेर हो गया। जब दशरथ वहां पर पहुंचे तो देखा हो गया दशरथ पानी लेकर के गए हैं, मुंह कह बोल नहीं रहे हैं, जाकर के उनके माता पिता को हाथ में पानी का कमंडल दिया। वो कहने लगे कि बेटा तुम बोलते क्यों नहीं, तुम भी ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। और आखिरकार देखिए, जब राजपाट छोड़ करके रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी चले गए, सुमंत्र जी वापिस आ गए, उनको भेजा था कि लौटा लाना, लेकिन लौट करके नहीं आए। तो आखिरकार राजा दशरथ ने कहा कि सुमंत्र क्या राम आए? नहीं महाराज, वो नहीं आए। राम राय, ये भी कोई ना कोई ऐसा अपराध हमारे जिंदगी में बन जाता है, कोई जरूरी नहीं इस जन्म में ही हो, न जाने कितने जन्म पहले का किया हुआ पाप इस जन्म में हमें भोगना पड़ जाता है। ने भगवान से कहा कि प्रभु जी, मैं मेरे पाप के कारण देख सकता हूँ कि 100 जन्म तक मैं देख सकता हूँ कि मैंने कोई पाप नहीं किया, किस जन्म में मैंने ऐसा
सिर्फ 100 जन्म तक है, अरे हम इससे हजार जन्म पहले भी पाप करें तो वो भी भोगना पड़ता है। 101 जन्म पहले देखो तुमने इसी प्रकार एक टीके को जो है सुइयां मार मार करके उसकी आंखें फोड़ दी, उसके कारण तुम्हें ये दंड भोगना पड़ा। यानी कि जो भी हम भोग रहे हैं अच्छा या बुरा वो हमारे कर्मों का ही फल है, लेकिन इतना बड़ा हमारे लिए उपदेश रूप में दो चार शब्द रखे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिंदगी की सच्चाई है ध्यान देना, जो चला गया वो वापिस नहीं आया और ना ही आने वाला है, और यहाँ तो अब इस समय हम मौजूद हैं, सदा हम भी रहने वाले नहीं हैं। शब्दों के दो चार शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। सीताराम हरे कृष्ण
अज इस परिवार से मां बाप दियां सदरां जे मैं समझदा मां बाप दियां तो लोरियां अजे खत्म ही नहीं हुई पर मरण लगाए मंडल भी आए घर कुछ नुकसान दे बेशक संसार एक इंसाफ करना पर कई बार ऐसी मौत दे परमात्मा को विश्वास बहुत घट गया क्यों साढ़े छोटे भाभी जी नरेश मल्होत्रा जी कई रिश्तेदार या सज्जन मित्र दूरों दूरों आए उन्होंने अपने मंदिर जाने की साधना ही होती थी नेत्रनियम परमात्मा का नाम लेना दो टाइम मंदिर जाना जो कोई एड्डी वड्डी सक पैंदी आ परमात्मा अगे भी कई सवाल खड़े हो जाते अज तक इस गल का सबूत आ कि मल्होत्रा परिवार जी का इलाके किड्डा मान सम्मान होगा इन्हां दी खुशबू दूर दूर तक फैली है मैं इस गल अपने आप नूं भी यही समझदा क्योंकि मैं नगर पंचायत का इलेक्शन लड़िया हनुमान मंदिर के बिल्कुल नाल घर हनुमान मंदिर के मत्था टेकन तो बाद जो मैं आशीर्वाद लिया इस परिवार को लिया सब तो पहला इन्हां दे आशीर्वाद दे नाल अज मैं सारे तुहाडे मुखातर खड़ा हां सो मैं ज्यादा नहीं टाइम लेना बुलारे बहुत ज्यादा वा शोक मते भी बहुत आ सिर्फ दो दिन बुलारे बुलाने हैं सब तो पहले मैं बेनती करूंगा विचित्र सिंह जी को आठ उन्होंने मुआफी आज आप सारे मल्होत्रा परिवार के नाल जो एड्डी वड्डी सट अनहोनी इस परिवार के नाल हुई अज छोटे बच्चे संजीव मल्होत्रा ओरी अंतिम रात विच इकट्ठे होए आ मौत एक कदम सच्चाई है लेकिन हर चीज वक्त के नाल भी अच्छी लगती है मेरे तो पहला प्रधान जी ने बखूबी गलतियां करके वक्त मैं समझता कि लंबा चौड़ा भाषण देता नहीं वो भी माँ बाप होंगे जो औलाद वास्ते अरदासा करते हैं दसते हैं जे औलाद ना हो तो सबर होंगे कि शायद कोई साड़ी किसी जन्म का कोई लेना देना होगा कर्म सुख नहीं और औलाद हो जानी वड्डा हो जाना पल जाना खेड़ा फुल हो जाना 20 साल की उम्र बाबा पहला मैं पता लगा वैष्णो देवी हो गया है चार पाँच दिन पहला डॉक्टर को चेक करा लिया कहते भी अपना जंग फूड बंद करते छे फुट का नौजवान हो गए और किस तरह विछोड़ा होना यह था एक वाकई बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है परमात्मा से लेकिन शायद किसी जन्म का कोई लेना देना होगा सारी छोटी भैन श्रीमती नरेश मल्होत्रा या छोटे भी प्रदुमन जी दादी वालों कार्ड आया उदों भी मन भर जाता मल्होत्रा परिवार के नाल मैं समझना कि मेरा लगभग 33 साल तो मल्होत्रा साहब जो एडवोकेट बन के आए तदर तो मैं उसे मुकाबला कर रहा साड़ी परिवार 220 साल है अभी भी साड़ी बार एसोसीएशन मल्होत्रा वालों बहुत सारे मैंबर जिते आए हुए हैं तो बार वालों मैं उन्होंने भी आपने भी इस परिवार के नाल दुख साझा करता मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा एड्डा वड्डा इस परिवार के दुख दिता इस नेक परिवार के
जो हमेशा ही अपनिया समाजिक गतिविधियां वास्ते विख्यात है, उन्होंने हौसला उन्होंने सबर थोड़े ही रहमो करम के नाल हो सकता। आओ आप रल मिल के अरदास करिए कि शायद इस जन्म का साडे परिवार के नाल धोखा होया कि एक नौजवान बच्चा परमात्मा ने जिहड़ा फुल साडे को खोलिया। आओ उस विशी रूह आपके अरदास करिए, परमात्मा के अरदास करिए कि परमात्मा इस परिवार के मेहर भरिया हथ रखे, इन्हों का परिवार ऐसा ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, इस तरह की साडे परमात्मा किसी दुश्मन के भी ना ये दिन ले आए। इन शब्दों के नाल मैं मल्होत्रा परिवार के नाल अपने वालों अपनी 1280 जन पुत्र वालों साझा करता, जय श्री राम। धन्यवाद प्रकट साहब से बेनती करता डी एवी कॉलेज जलंधर के प्रिंसीपल वी के सरीन साहब, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट सगा उन्होंने भी बहुत बहुत मनाया मनाया अपने मुबारकबाद तो दो लफ कहे वी के सरीन साहब। मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थी संजीव मल्होत्रा जी, अचानक इस दुनिया को जान की जो खबर मिली मैं सुन के हैरान हो गया। आई हैड बीन ट्रेनिंग, कुछ ज्यादा भी पता नहीं सी, मैं फॉर्म निकलवाया क्योंकि साढ़े सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर से अज असी सारे इतने इकट्ठे हुए हैं। मोस्टली नैचुरली ये पता लगता है कि मल्होत्रा परिवार देखी समाज के ही उन्होंने व्यवहार है, पर मैं डीएवी कॉलेज जलंधर द मैनेजमेंट स्टाफ कॉमर्स डिपार्टमेंट वालों प्रिंसिपल साहब ने मेरी ड्यूटी लाई, मैं वाइस प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट है कि इस बच्चे की मेरे हर टीचर ने जो तारीफ की थी। अज असी अखबार में पढ़ते हैं कि नौजवान यूथ किधर जा रहा है, किस तरह की बुरिया आदत हैं। मैनू ये 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पिछले सेमेस्टर से कोई पढ़ा रहा है, मेरे नाल डॉक्टर सतीश हुजाए थे उन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, जिहड़ी मैडम ने मैनू दस्या वो इस साल में GST पढ़ा रहे थे और हरी ने इतनी ज़्यादा तारीफ की बच्चे की। ऑलवेज क्वेश्चनिंग माई, अपने डाउट्स पूछते रेगुलर क्लास के और जो मैं क्या बच्चे की फोटो भी मंगवाई। 2-4 दिन पहले मैंने किसी पुराने स्टूडेंट का फोन आया, मोहित जी हैं उन्होंने पेट का काम है इस परिवार को भी जानते, उन्होंने मैं अमृतसर से जो उन्हें दसिया दादी जी वालों कार सी अज के शोक समागम का भेजा, मैं बयान नहीं कर सकता पेरेंट्स का दुख, क्योंकि समाज के लिए समझा जाता है कि पेरेंट्स तो बाद जो कोई नैक्सट बच्चे फ्यूचर वह कैरियर बनाता तो वह टीचर होता है। जिन्ना दुख इस परिवार को है उस तो वह हर एक टीचर का दुख मैं वो बयान कर आया। ये कभी जो पेरेंट्स ने साढ़े DAV आंगन के भेजी कि फुल बन के तैयार हुए और एक यूथ जो इस तरह का है वो सही बन गया कि देश का निर्माता बनता है, क्योंकि इंटेलीजेंट सी पढ़ाई बहुत अच्छा सेगा। ये कभी परिवार की कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं जरूर अपना कॉलेज के बिहाफ से श्योर करवाना चाहता, क्योंकि जो एडमिशन होती है इस इलाके तो शाहपुर से बलसिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स DAV जलंधर चले, मैं देखा मेरिया कुछ स्टूडेंट्स होस्टल के बैठे हैं, प्रॉक्टर भी ने उत्थे ग्रुप है लड़का ऑनलाइन मैं देख रहा था, काफ़ी बच्चा का पता होंगे और हर पेरेंट का होंगे कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करके अगों परिवार का नाम रोशन करे, पर बाथरूम शायद कुछ थोड़ी मजबूर सी रब का भाला मीठा ला के सबर करना पड़ता है, कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, पर साढ़ा इतने सारे का इकट्ठे होना शामिल होना वो अपना दुख बढ़ना है। मैं DAV कॉलेज वालों शुरू कराना
क्योंकि अजकल बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। इस बच्चे जो बड़ा होनहार सी जिन्हें एजुकेशन पूरी करके और अगो परिवार का कॉलेज का नाम रोशन करना सी, इस तरीके असी नाम किसी स्कॉलरशिप किसी स्कीम च शामिल करके ताकि पेरेंट्स को भी एक याद है कि यह बच्चा सा इस परिवार का हिस्सा से। मैं करता हाँ मैं परमात्मा अगे अरदास करना कि इस विचड़ी रूप में होनहार जो बहुत सी अपने चरणा स्थान देवे तो सानू सारे औखी घड़ी के बीच एक सबर का जो टेस्ट दिता है उस दिमाग को बिल्कुल नहीं सबू ने दिता है। धन्यवाद। सरीन साहब ने अपने बहुत प्यारे स्टूडेंट मेरा कॉलेज लाइफ के वक्त के हिसाब ने इन्होंने दसिया थोड़े लफ्जों के बहुत सारिया गल् इस लिंगत आत्मा के मतलब कह गए। मैं बेनती करता सरदार अमरजीत सिंह जी सदा सबका कैबिनेट मंत्री पंजाब चेयरमैन मारकफेड के ओम पवित्र गढ़ प्राण जी की पवित्र हाजिरी में बैठिया गई है सरकार जो भैन भरावान के प्यारे संगति अज की यह शोक में सभा अज का महाना का कट स्वर्गीय सरकार जो संजीव मल्होत्रा की बेवक मौत के संबंध में आप सारे एकत्र हुए। जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसने एक दिन जरूर जाना यह एक अकाल सिकाई है पर हर गल वक्त वक्त के ठीक लगती है। संजीव मल्होत्रे की इस बेवक्त मौत ने साढ़े इस इलाके एक बहुत ही दुख की लहर पैदा की है। मल्होत्रा परिवार साढ़े इस इलाके का एक बहुत ही सिरकट परिवार है। उन्होंने का यह होनहार पुत्र अपनी जिंदगी दे विच और भी बड़ी ही तरक्की कर रहे थे जिस तरह प्रिंसीपल साहब दस रहे थे और सैकटरी साहब दस रहे थे फिर अपनी पढ़ाई दे विच होर आम जो घरेलू गल्दे बहुत ही निम्रता से मैं समझना कि इस तरह के चंगे इंसान बच्चे के जान के नाम कला परिवार को ही घाटा पैदा साढ़े इस इलाके को भी इस तरह के होनहार बच्चे का बहुत बड़ा घाटा पाया। आप सारे अज आम सियाणी की कथनिया दुख बढ़ाया जाए तो दुख घटता है। अज बड़ी बहुत बड़ी गिनती के बहुत बड़ी हाजिरी के मौजूदा परिवार को जरूर कुछ ना कुछ त्रास मिलूगी दुख बढ़ाया करता है कि आप सारे अज मल्होत्रा परिवार का दुख बढ़ाने के सहाई हुए हैं। मैं मल्होत्रा परिवार को एक अपील करते हैं कि असी हर वेले थोड़ी सेवा के हाजिर हैं अपनी वालों अपनी पार्टी वालों कांग्रेस पार्टी वालों इस दुख की घड़ी के जोड़े साथी आ उन्होंने नाल इस दुख बढ़ा पाया। यही परमात्मा के प्रभु अगर अरदास करते हैं कि परमात्मा इस पवित्र पिछली रूह को अपने चरण परिवार दे पिछले परिवार को पाणा मिलने का बल बख्शे। मैं बिल्कुल संकेत लाता में इस समय से बड़ा बोलने का भी मैं समझना कोई बड़ा फायदा नहीं क्योंकि इस तरह के बेवक मौके इस तरह के चंगे बच्चे के जान के नाल बहुत मैं समझा कि इस साडे इलाके में काफी लोगों की बहुत लहर पैदी है कि मैं इस परिवार के नाल फिर दोबारा अपनी वालों अपने परिवार वालों अपने इलाके वालों और धीर साहब ने जो मैं परसों दसिया कि मेरा मामे जी का लड़का सी तो मैं समझना कि रोंदे हुए यह दुख सुन के मैं भी कभी अब बोल जाना
पर मैं अपना एक हादसा में आके जरूर मल्होत्रा परिवार को साढ़े इलाके का सिरखंड परिवार है कल का आप कुछ नहीं सकते सिर्फ अपना ये यही लोग दुखी बढ़ा सकते हैं और यही परिवार को अगर दास करते हैं मल्होत्रा परिवार को यकीन तो हमें कि हर वे थोड़े नाल इन शब्दों की मैं इस परिवार के दुख के बीच भी होता हो यही प्रभु अगर अरदास करते हैं परमात्मा के पवित्र शरीर को अपने चरण दरबार दे रहे पिछले परिवार को पाणा मंदला बाबा से जय श्री राम। धन्यवाद सरदार साहब ने जेड़े बहुत नेड़े के रिश्तेदार भी आ शहरी कांग्रेस नकोदर के प्रेजिडेंट भी आ और कांग्रेस पार्टी हल्का नकोदर के सिरकट लीडर आ उन्होंने वालों शोक मत आया स्वर्ण सिंह जी हेर आम आदमी पार्टी वाले उन्होंने भी शोक मत आया माफी चाहना सत्कारयोग तरसेम मित्तल जी वाइस चेयरमैन तकनीकी सिक्ख्या बोर्ड तरसेम दत्त शुरा जथेदार चरण सिंह जी सिंगर हरदेव सिंह जी पीटा ब्लाक प्रधान इन्होंने सारे को माफी मांगना कुछ सोकमा के डेरा बाबा मुरलीदास सिंह मंदिर कमेटी वालों आया हरिनाम संकीर्तन मंडली शाहकोट लोक भलाई पार्टी शाहकोट महिला शक्ति संस्था शाहकोट डी ए वी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी उन्होंने प्रिंसीपल वाइस प्रिंसीपल हो गए उन्होंने वालों भी सोकमा आया डॉक्टर हरविंदर सिंह जी उपरा रामगढ़िया पब्लिक स्कूल के प्रेजिडेंट आ स्टाफ तो उन्होंने वालों भी शोक मत आया शाहकोट ब्लॉक मर्चेंट एसोसीएशन बैजनाथ जी अग्रवाल अमृतलाल जी काका स्टेशनरी मनियाली यूनियन चरणदास जी गाभा अमरनाथ लंगर सेवा सोसायटी ठाकुरद्वार गौशाला देवी कला मंदिर शाहकोट सुरेंद्र मोहन जी मल्होत्रा कौमी विरसा जी विरसा के संपादक हरदेव जी वालों भी आया बार एसोसीएशन नकोदर उन्होंने वालों शोक मत आया हनुमान कमेटी वालों श्री तारा चंद जी उन्होंने वालों कमेटी शोक मत आया श्री भगत सिंह यादगढ़ लाइब्रेरी रकेश अग्रवाल जी उन्होंने वालों शोक मत आया वातावरण संभाल सोसायटी सुरेंद्र सिंह जी पदम सुरेंद्र पाल सिंह जी उन्होंने वालों भी शोक मत आया कच्चा आड़तिया एसोसीएशन कपिल गुप्ता जी संजीव अरोड़ा श्री रामा मंदिर कमेटी वालों उन्होंने वालों भी शोक मनाया मास्टर रामला ट्रस्ट उन्होंने वालों भी शोक मनाया सुधार लाभ वालों अश्विनी ढंग उन्होंने वालों शोक मनाया जेड़े जेड़े शोक मते अपने वालों सारे परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद दीवियां धन्यवाद बेशक मेरा छोटा भी परिवार वालों अमन मल्होत्रा इन्हों की मैं ड्यूटी लाई धनवाद कर पर मैं अपने की ड्यूटी समझता हो सारे का धनवाद करता जिन्होंने इस दुख को घटाने के लिए अपना कीमती टाइम कटिया अंत के सरदार हरदेव सिंह जी लाडी शेरवालिया साहब जनरल सकत्र पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी खड़े लोग खाले समय के इकहत्तर बड़ी गुरुआ की शासक जी फतेह साझी करना वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अब कोई लवज जी मूँह चो निकल रहे अपने बच्चे भतीजे संजीव मल्होत्रे कि शरदा के फुल पेट गए साडा होनहार बच्चा जिहड़ा बेवक्त समय से हसदा खेडता हथां चों निकल गया जो ये खबर सुनी यकीन नहीं आती पर यही खबर कदी झूठी नहीं हुई हुक्म परमात्मा का अटल है जो प्राणी इस संसार में आया वे हुक्म ना है जदों समा आ गया वो हुक्म आ गया
ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਦੂਮਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆ ਦਾਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਮਣਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸਪੁੱਤਰ ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ 19-20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪੜਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਖਾਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਮਲੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਲੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਾਵਤ ਆ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘੱਟਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਦਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਆਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੈਨ ਭਵਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਮੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਬਾਬਾ ਮਸਤਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ
डेरा मंदिर का शाह हो, माता का मंदिर पिराजिया शाह हो, स्वर्ग आश्रम मुबारो शाह हो, हरिनाम संकीर्तन का शाह हो। हम हसे चले हुए इस साल 20 साल की उम्र मल्होत्रा परिवार का रोशन दिमाग डीवी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब में बोल के गए, ये दोस्त भी फिट हैं, सारे रिश्तेदार भी फिट। सो अल्फाज मुंह चो नहीं निकलते, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं करना, शायद मैं पास हो जाऊँ। मैं जिन्हें भी एक दोस्त सज्जन आए हैं, काफ़ी लोगों के फोन आए हैं पूरे पंजाब के विचों, मैं कोशिश के ना लूंगा, मैं कुछ बैठे भी रहते कैप्टन हरविंदर सिंह जी, जिला कांग्रेस के प्रधान राजा वड़ेंद्र जी, यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के शहर जन सिक्री राणा गुरजीत सिंह जी, सबका कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब प्रताप सिंह जी बाजवा, मैंबर पार्लीमेंट सबका पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी चौधरी संतोख सिंह जी, इन्होंने आना भी सी लेट हो गए, महेंद्र सिंह गेड़ी जी सबका मैंबर पार्लीमेंट, सुखपाल सिंह जी खैरा मैंबर ऑपोजिशन लैजिस्लेटिव असेंबली पंजाब, तजिंदर सिंह शेरगिल एडवाइजर चीफ मिनिस्टर पंजाब, अमरजीत सिंह जी समरा के साथ दरम्यान बैठे, इस तो अलावा बीबी विजेंद्र कौर जी पटल उन्होंने भी फोन आया, राणा हरदीप जी प्रिंस भुपिंदर सिंह जी खान उन्होंने आना नहीं आना सी पर किसी वजह ने शायद नहीं आ सके, राणा गुरमीत सिंह जी सोडी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, इस तो अलावा गुरमीत मंटा जी ओ एस टी सुखबीर बादल, रजिंदर बेड़ी जी एम एल ए जलंधर साढ़े दरम्यान, आम आदमी पार्टी के सुखवंत सिंह गिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, एडवोकेट अब्बास सिंह जी कलेर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब एडवोकेट जगदीप मान जी, प्रोफेसर वी के सरीन जी वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश, राजकुमार भल्ला जी एक्स बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी श्री सतपाल जी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सतपाल जी, प्रोसेसिंग एजेंसी गुरप्रीत सिंह गरेवाल डिप्टी डीए लुधियाना विजिलेंस, एडवोकेट सोनी जी शैशन जग कपूरथला, किशोर कुमार जी जिनका हमने फोन आया, रमेश चावला जी मोगा तो, गौरव गुप्ता जी मोगा तो जेडे जज साहबान, सुखविंदर सिंह जी रामपुरा फलू तो हाई कोर्ट के जस्टिस एच एस मदान जी, अशोक कपूर जी डिस्ट्रिक्ट सैशन कोर्ट के जे अपने जलंधर के जज साहबान, गुरकैमान सिंह मदान, इस तो अलावा होर भी मेरे को बहुत लिस्ट आ शायद समा ज़्यादा हो जाए, पर जिन्हें भी सज्जन दोस्त मित्र रिश्तेदार लोगल बंद परमात्मा आप जाने जाना सारे की हाजिरी कबूल आ, रिश्तेदार भी बैठे है सारिया का एक एक कदम मल्होत्रा परिवार के सिरबंध से तुसी आए साडा तो कटिया, सो परमात्मा की यही अरदास करते हैं कि परमात्मा साडे घर भी और तुहाडे घर भी खुशियां लग जाए, यही कहना था मैं स्थान वापस लेना। जय श्री हम भी अंबिके अंबारिये जिन्हों आगे प्रसन्ना सर्वत्र
Thank you.